हाय फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। पाव भाजी बहुत ही फेमस रेसिपी है, तो आइए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। पाव भाजी का भाजी बनाने के लिए मैं पोटैटो ली हूँ, ये मैं बॉईल की हुई हूँ, ये मटर बॉईल किया है, ऑनियन को मैं इस तरह काट ली हूँ, ये कैप्सिकम है एंड टोमेटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर लीफ, लेमन, कसूरी मेथी, बटर एंड ग्रीन चिली यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसे बनाऊँगी। भाजी को बनाने के लिए पहले मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल यूज़ करेंगे। देन मैं इसमें बटर यूज़ करूँगी। आप चाहे तो पूरा बटर से ही बना सकते हैं, मैंने दोनों ऐसे ही यूज़ कर लिए हैं ताकि टेस्ट इसका थोड़ा अच्छा हो, डिफरेंट हो। बटर एंड ऑयल मेरा गरम हो गया है, अब मैं इसमें ऑनियन ऐड करूँगी। ऑनियन को मैं थोड़ा देर फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करूँगी। अब इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। ऑनियन मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें कैप्सिकम ऐड करूँगी। टोमेटो, इन सारे चीज़ों को मैं ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट फ्राई करूँगी। ये सारे चीज़ मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें मटर एंड आलू को डालूँगी। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे और आलू को मैश कर देंगे अच्छे से। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी एंड थोड़ा सा टर्मरिक, कसूरी मेथी भी अपना ऐड कर लेंगे। अब पोटैटो को अच्छे से मैश कर लेंगे पोटैटो मैशर से। ये सारी चीज़ मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला यूज़ करूँगी। मैं पाव भाजी मसाला एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला यूज़ कर रही हूँ। पाव भाजी मसाला मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी, ऑलमोस्ट 2 स्पून ऐसे बड़े स्पून, क्योंकि पाव भाजी का टेस्ट इसी मसाले में आएगा। सो आप मेरा क्वान्टिटी एक बार देख लें मैं कितना यूज़ कर रही हूँ। ये सारे चीज़ मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। एक कढ़ाई में मैं फिर से थोड़ी सी बटर डाली हूँ, 1 क्यूब। बटर मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, ग्रीन चिलीज, वन स्पून कश्मीरी रेड चिली, इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें जो मसाला रेडी की थी अब वो डाल दूंगी। नाउ मैं कोरिएंडर लीफ ऐड करूंगी। कोरिएंडर लीफ को ऐड करने के बाद वापस इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से सारे मसाले में आ जाए। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी।
अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आप पानी का क्वांटिटी देख लीजिए। मेरा पाव भाजी का मसाला रेडी हो गया। ये पाव का भाजी बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी सा, और इसका कलर भी कितना फ्लेवरफुल दिख रहा है। तो आप इसे बना के देखिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, और मेरे रेसिपी को लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू।